बाड़मेर जिले में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से मिलने वाले किसान ऋणी की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें कि किसान निधि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किसान ऋणी किसान कार्ड से मिलने वाले ऋणी के वितरण में हो रहे भेदभाव। वहीं नाराजगी जाहिर की किसानों ने बताया कि सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को ऋणी नहीं मिलने पर बैंक कर्मचारी सर्वर डाउन करने का बहाना किसानों को बनाकर तंग कर रहे हैं। इसमें गरीब काश्तकार, विकलांग काश्तकार, विधवा किसान और दिन भर भूखे प्यासे लाइन में लगकर शाम तक खाली हाथ वापस जाते हैं अपने घर। वहीं बैंक के कर्मचारियों से मिली भगत करके बिचौलिए लोग अपना लोन 5-10 मिनट में ही पास करा कर दे जाते हैं। बोलिए भाई साहब, आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या है साहब, पेमेंट मिला को नहीं टाइम हो। हाँ जी, कई दिन हुआ है, 4 बजे रात का खोटी वहाँ लाइन में लगा तो ही मान पेमेंट मिला को नहीं। पेमेंट वास्ते कहाँ तो मान गांव ग्राहकों का बारी हूँ मारे पेमेंट करावे तो ही मान सुविधा मिले, सुविधा दे रहो। अच्छा, और आप कहाँ से हो? हम बामड़ला से। कितना दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हो आप? हम 10 दिन से चक्कर काटते हैं। अच्छा, फिर यहाँ कितने लोग इकट्ठे होते हैं बैंक के आगे? लोग हर गांव के होते हैं। कितने लोग करीबन दिन भर में लोग हो जाते हैं इकट्ठे यहाँ बैंक के आगे? यहाँ 500 आदमी इकट्ठे होते हैं। 500 में से कितने कस्टमरों का यहाँ पेमेंट होता है? 50 आदमियों का पेमेंट होता है। बाकी वाला के ये पेमेंट बताता, हम 200 से 250 लोगों का पेमेंट करते हैं, तो बाकी वाला का वो पेमेंट किसको देते हैं? वो अवैध देता है क्या? अवैध देते हैं। और आप यहाँ मतलब यहाँ आकर बोलो भाई साहब, अगर कोई समस्या खड़ा होगी बताओ ना। हाँ, खड़ा हुआ बताओ। और बताओ, 10 दिन हो चक्कर खाओ आवा और इत रात रा बेड़ू कर ना 10 बजे और इन जगह ने जे भी कतर ले रात रात ने अंदर मामा लूडो खाइए तो ही बोठा पड़ा कोनी वो चीज नहीं। बैंक के सामने आन हो इन जगह ही और चाय है ने पानी है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 500-600 आदमी होते हैं और रोजाना के चक्कर 10 दिनों से मैं चक्कर खा रहा हूँ। कार्टिया से आ रहा हूँ, 70 किलोमीटर दूर है और मैंने एक पैसा भी यानी मिला नहीं अभी तक। अभी आप आते कितने बजे हो सुबह? अरे सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हैं हम, आके मैं आया तो 25 आदमी आगे बैठे थे मेरे। अच्छा, फिर क्या आपका पेमेंट समय से नहीं होता है? नहीं होता बिल्कुल, मैंने आज 5 दिनों से चक्कर खा रहा हूँ, आ रहा हूँ रोजाना के लिए। अच्छा, तो फिर आप बैंक की व्यवस्था क्या है? बैंक की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, नहीं बीच में आते हैं बिचौलिए घुसा देते हैं और लैंड वाले खड़े रह जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा अच्छा, तो ये कितना दिनों से आप चक्कर काट रहे हो? मैं 10 दिनों से आ रहा हूँ बिल्कुल। 10 दिनों से। अच्छा, आपका पेमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल नहीं है मेरा, 8 तारीख से पेमेंट जमा है आज तक नहीं हुआ। 8-9 बैंक अधिकारी आपको क्या जवाब देते? कोई जवाब नहीं है, बीच में घुसा देते हैं और बस आते हो। शाम को कितना बजे बैंक बंद होती है? शुक्रवार को यहाँ 20 बजे सुबह कितना बजे से पेमेंट शुरू होता है? शाम को कितना बजे तक पेमेंट देते हैं? 11-12 बजे होगा और कहते हैं 20 बजे कभी लाइट चली जाती है, कभी ये कहते हैं कि सर्वर नहीं है, बस नहीं पेमेंट नहीं आया, पीछे से नहीं आया, नहीं देते हैं। कितना बजे तक ये आपको यहाँ सामने भीड़ बना रखते हैं ये शाम तक? शाम को लगभग 4 बजे आपका टाइम होते है 4 बजे फिक्स। 4 बजे के बाद में 4 बजे पास में ATM बना हुआ, ATM हमको दे रखा है, ATM पैसे नहीं है, लोग लगा रखा है। ATM बंद है? हाँ ATM बंद है बिल्कुल, ATM हमारे पास ATM बड़ा है। कोई बीसी चलती है क्या इनकी? हाँ बिल्कुल, सामने बीसी चलती है बिल्कुल। उस बीसी वाले वो क्या कैसी व्यवस्था से देते हैं? पता नहीं, ये गेट पर बीसी वाला रहता है सामने। अच्छा, यहाँ इस गेट पर आके बीसी वाला खड़ा हो जाता है, उसको कोई अनुमति किसी प्रकार है ही नहीं। अच्छा, वो भी खड़ा हो जाता है। तो ये कहने का, आपका कहने का ये मतलब है कि बैंक वालों की बहुत घोर आपके घोर अन्याय और लापरवाही बरतते हैं। घोर लापरवाही है क्योंकि ये बीच में अपने रिश्तेदार आते थे उसको बीच में घुसा देते हैं और हम लाइन वाले पीछे रह जाते हैं, कोई किसी प्रकार की नहीं। ठीक भाई, धन्यवाद, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।